हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमें अच्छी ड्राफ्टिंग के लिए सबसे पहले किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए, या कोई भी स्केचिंग करनी हो। जो इनका बेसिक रूल है वो होता है केवल केवल लाइन, ठीक है, कि आप पेंसिल से आप लाइन कैसे मारते हो। पेंसिल में भी काफ़ी सारे शेड आते हैं, नॉर्मल होती है वो होती है HB, जो सब कोई यूज़ करते हैं। उसके बाद आती है B1, B2, इस तरीके से आती हैं, और फिर वो H में भी कुछ इसके शेड आते हैं। तो हम ये वाली जो प्रैक्टिस है वो HB पेंसिल से करेंगे। जैसे हम सबसे पहले A4 पे ले लेते हैं। A4 पे सबसे पहले हमें इस तरीके से लाइनें मारनी है, ठीक है, और एक साथ मारनी है। मतलब पहले कहीं से उठानी नहीं है, रखनी नहीं है, बस एक बार धीरे 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 ऐसे सीधी सीधी लाइनें मारो। फिर उसी पेपर पे वर्टिकल ऐसे करो, ऐसे। और ये भी ध्यान रखना कि जो एक लाइन से दूसरी लाइन की जो बीच की डिस्टेंस है वो भी मेंटेन होके चले, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपकी इम्प्रूवमेंट हो रही है। एंगल में 45 डिग्री का एंगल बना लेना, ऐसे प्रैक्टिस करना। फिर इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है अपोजिट एंगल से, ठीक है। और कुछ शेप की करनी है, जैसे सर्कल ले लिया, इसकी करनी, इसकी ऐसे करनी, ऐसे करनी, ठीक है। फिर ओवल कर लेना कुछ इस तरीके से, आपको ट्रायंगल का ले लेना, स्क्वायर ले लेना, रेक्टेंगल ले लेना, इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। जब ये प्रैक्टिस हो जाए तो फिर पेपर को इस तरीके से कर लेना, क्योंकि देखो अभी क्या है कि पहले ये चौड़ाई थी, अब ये चौड़ाई हो जाएगी, तो अब आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी लंबी लंबी। तो ये बिना स्केल के करनी है, फ्री हैंड करना है, आप प्रैक्टिस अच्छे से हो पाएगी। उसके बाद दूसरा स्टेप होगा, उसमें स्केल के साथ हम पेंसिल को इस तरीके से घुमाते हैं। मेरा ये वाला मूवमेंट देखना, इस तरीके से ऐसे करेंगे तो ऐसे पेंसिल को घुमाते हैं। तक चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।